प्रपोज कैसे किया? बाय द टाइम आई वाज ड्रॉपिंग हर प्लेस तो वो उसके मुंह से एक्चुअली निकल गया था क्या लव यू यू नो सेइंग बाय द शी सेड लव यू एंड आई वाज लाइक ओके आई लव यू टू अगर कोई और उड़ा के ले जाता उस टाइम पे फिर उड़ा के लेके गया क्या कोई नहीं ले जा सकता था मुझे वो फील आ गया था कि यू नो शी इज लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है जो चीज हो रही है वो आपका कप ऑफ टी नहीं है, is that correct? हाँ, that's what I'm saying. Yeah, yeah. Okay, I'm not looking down upon anything. I'm not saying कि ये बुरा काम है. I'm just saying as an actor मेरे लिए उतना challenging नहीं है. अब share करें ना audience के साथ हुआ क्या? मेरी शर्मार उतरी थी. Guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. ये मेरा तीसरा introduction है. इसलिए क्योंकि हमारी building में construction हो रही थी और हर बार एक खूबसूरत सी आवाज़ background में आ जाती थी. खैर, let's hope कि इस बार काम ख़त्म हो चुका है और हम अपना काम शुरू कर सकते हैं अब. तो आज जो मेरे मेहमान हैं, शाइनी शूज़ और कलरफुल शूज़ पहनने का उनको बड़ा शौक है. वैसे चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, लेकिन अगर बेगम कभी शाम को बोलते हैं तो फिर वो चाय पी लेते हैं. तो मुझे बड़ा ये क्यूट लगा उनकी ये स्टेटमेंट. कुछ अर्से पहले मैंने पढ़ा था कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो क्रिकेटर होते. अभी मैंने पूछा 10 मिनट पहले, तो उन्होंने कहा नहीं अब चेंज हो गया है. मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी नथिंग. मैंने कहा व्हाट डज़ दैट मीन? तो हम इस पर भी बात करते हैं, व्हाट डज़ ही मीन बाई नथिंग. शाहरुख खान की मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए और वहीं से उन्हें शौक हुआ कि वो एक्टिंग की फील्ड में आए. मेरे साथ आज हैं हारिस वहीद. अभी हमने उनको रिसेंटली देखा था सफ़र तमाम हुआ, मुझे विदा कर, एंड आजकल हम देख रहे हैं मेरे हमनशीन में. सो काफ़ी दिन से हम चाह रहे थे कि उनसे मुलाकात हो, कुछ गुफ्तगू करें. तो आइए आज मिलते हैं हारिस वहीद से. अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. You know why we are laughing? Why are you laughing? नहीं, we know why we are laughing. No, I don't know why. I'm saying मुझे नहीं पता. अच्छा, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि पहले जब ये तीसरा है ना, दो दफ़ा पहले इंट्रोडक्शन करा तो हारिस हर दफ़ा कहते वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा मुस्कुरा के थोड़े जज्बे से बोला, तो मैंने कहा वाओ थैंक गॉड एटलीस्ट थर्ड टाइम यू नो कुछ ऊपर आ गई ना थर्ड टाइम कुछ कुछ जज्बा आ गया. तो मैं पहले भी हारिस से, मैंने कहा हारिस आप इतने ही काम, इतने ही सीरियस तरीके से इंटरव्यू करेंगे आप, तो अभी क्या चेंज होगा थोड़ा सा या वैसे ही हम सीरियस? इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट. आई एम गोना जस्ट, इट डिपेंड्स ऑन मी. हां ठीक है, मतलब पूरा उन्होंने घुमा के ना मेरे को बना दिया. But at least he's laughing now. He was very serious. I'm not serious. I just I don't know why people think that I'm like serious and all. But like एक मेरा rest face है जो लोगों को लगता है बहुत angry face है. नहीं, angry face बिल्कुल नहीं है. अच्छा. मुझे बड़ा serious, बड़ा एक थोड़ी सी दुखी आत्मा वाली feeling आ रही है. दुखी आत्मा वाली feeling आ रही है. Shiny shoes के साथ भी. Exactly. वो contradict कर रहे हैं वैसे. बैलेंस आउट करने के लिए नहीं प्लीज बी हाउएवर यू वांट टू बी. हमारा होता है कि गेस्ट जैसे भी हैं उनको वैसे ही होना चाहिए ओरिजिनल सेल्फ, फिर आगे देखते हैं इंटरव्यू कैसा होता है, वही बेस्ट आता है. तो ये बताएं ये स्टेट ऑफ नथिंगनेस क्या आप क्या चाह रहे हैं? ये तो ये मुझे जरा कंफ्यूजिंग लगा इस स्टेट. सीरियसली वांट टू स्टार्ट विद दैट, ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है. कोई बात नहीं, नथिंगनेस इज जस्ट वो आपने पूछा ना कि आप क्रिकेटर होते हैं क्या होते हैं, तो मैंने कहा वो जवाब जो था वो पिछले कोई 8-10 साल पुराना था. अगर आप पूछा जाता तो शायद मुझे अच्छा लगता कि अगर मैं किसी ऑक्यूपेशन की वजह से डिफाइन ना होता, दैट आई वांट टू बी दिस और दैट, आई जस्ट डोंट वांट टू बी एनीथिंग. सो मुझे एक्साइट करता है कि जस्ट यू नो आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, नाउ आई वांट टू ट्राई नथिंग, जस्ट बी नथिंग, जस्ट डू नथिंग. Yeah, do nothing and be nothing, you know. तो मतलब उसके लिए तो फिर कोई बड़े अमीरजादे होंगे आप, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, नथिंग ही होना है. तो उसमें देखे ना आपने फिर कुछ अटैच कर दिया ना उसके साथ अमीरजादे होंगे तो डिफाइन हो गया. जब आप कुछ भी नहीं होंगे तो वो स्टेट कितनी मजे की होगी. मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है. चलें, इट इज जस्ट लाइक वाटर, यू नो देयर इज नो कलर, देयर इज नो टेस्ट, बट इट्स सो इंपॉर्टेंट एंड सो. ये वाकई दुखी आत्मा है. आई थिंक मेबी मैं अनदर स्टेट में बहुत हैप्पी आत्मा हूं और जो यहां पे वहां के लिए दुखी हूं, शायद यहां के लिए. नहीं, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूं. नहीं नहीं, आई लाइक क्या बड़ा डीप सोच रहे हैं और डीप बातें कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. समटाइम्स आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी एक खास किस्म की क्वालिटी या खास किस्म की कोई भी चीज अटैच हो. यू जस्ट वांट टू बी फ्री. जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिफाइन करते हैं तो फिर वो लिमिटेशंस आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं
कि ये है तो फिर इस तरह बिहेव करना है, ये करना है, वो करना है. मुझे लगता है आप उनसे भी आजादी चाहते हैं. You're getting there, right? I'm getting. Oh, wow. I was just pretending that I'm not getting. I do get. I'm not that silly. No, you're not. I'm sure you must be. I have a deep side to me. आपको नजर नहीं आई अभी, but Harris is like, really? Okay. अच्छा चलिए स्टार्ट हम करते हैं आपके बैकग्राउंड से. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा भाई, शाहरुख खान की मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं आप, तो कौन सी मूवी थी वो एक जिसको देख के आपने कहा कि ये मैं आई वांट टू बी एन एक्टर? एग्जैक्टली यही हुआ था ना? हाँ, एक्टर डिफाइन नहीं था, बस वो शाहरुख खान को देखा तो वो मुझे लगता था कि ये कुछ एक्साइटिंग करता है. क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो रियलिटी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी मेरे आस पास, तो फिल्म्स वर द ओनली एस्केप फॉर मी. तो and Shahrukh Khan primarily was that thing that used to make me happy when I used to see him on screen, because he used to, you know, sell love in yeah. in such way that you can't help but fall in love with him. Yeah. So and in the with the concept of love itself. Yeah. You like to believe in it. So फिर मैंने कहा कुछ ऐसा ही काम करना है जो ये कर रहा. So yeah, then I started following it. So फिर वो. तो कितने बड़े थे, क्या age थी आपकी उस वक्त? I think छोटा होगा, 6-7 साल. उससे पहले तो नहीं, बट बट वो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था जो भी शाहरुख खान कर रहे हैं. हाँ, वो जैसे फिल्म याद है कौन सी थी, कोई जिसको स्पेसिफिक देख के आपने कहा कि? काफी सारी थी. आई थिंक मैंने एक, मुझे ग्लिम्स याद है जब मैं 5-6 साल का था, तो उस जमाने में डीवीडी होते थे, तो उस पर वो लगी हुई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. बट जो पहली एक्चुअल फिल्म थी जो बहुत ज़्यादा मुझे वो किया था, इफेक्ट किया था उसने, वो कल होना हो थी. ओके. व्हेन ही डाइज, यू नो, इन द एंड. तो वो था. कितना रोए थे आप? आई क्राइड अ लॉट. अब रोते हैं कभी फिल्म देखते हुए? आर यू द काइंड ऑफ पर्सन जो? आई डू क्राई. मुझे असल में असली हकीकत में इंसानों के साथ कम एम्पैथी होती है, फिल्मों में किरदारों के साथ ज़्यादा होती है. अच्छा, वो वाले बंदे जो किरदार पे, मतलब यू बिकम अटैच्ड टू अ कैरेक्टर. हाँ, आई डू. अगर अच्छा, अच्छी एक्टिंग है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी स्टोरी है, सो आई डू. मुझे उसके लिए फील होता है. तो कौन से शाहरुख खान की मूवी सबसे ज्यादा देख चुके हैं? कितनी मैक्सिमम कितनी बार देख चुके हैं? कल होना हो कितनी बार? बहुत बार देखी होगी. कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज आप इतना पसंद करते थे और करते हैं शाहरुख खान को, आई एम अज्यूमिंग, कि कभी उनके कोई एक्सप्रेशन आपको लगा आपने लिए हो या इंस्पायर हुए हो, या उनके किसी कैरेक्टर को लेके अपने किसी कैरेक्टर में उनकी कोई चीज़ डाली हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हुआ होगा इनिशियली. आई थिंक होता है, अनकॉन्शियसली होता है. और मैं नोट करता हूँ, कौन सा होगा? मैं नोट करता हूँ कि हम हमारी काफ़ी जो एशियन ऑडियंस है, उस वो एक एक पूरा डेकेड है उनकी ऑडियंस है जो शाहरुख खान को देख के बड़ी हुई है. बिकॉज शाहरुख खान वॉज द पोस्टर बॉय फॉर एवरीथिंग ड्यूरिंग 1994 to 2010. लाइक द ओनली एक्टर और स्टार जो वो था. तो मैंने काफ़ी एक्टर्स ऐसे भी देखे हैं हमारी इंडस्ट्री में, या वैसे भी देखे हैं जिन्होंने शाहरुख खान को यूज़ किया है, एंड पीपल डू इट. और आप पहचान लेते हैं, अच्छा ये वाला वो. हाँ, यू गेट टू सी इट ना, क्योंकि वो शाहरुख खान इतना बस गया है आपके अंदर. इट्स सच अ बिग नेम, इट्स सच, इट्स हाँ, इट्स स्टार ऑफ मिलेनियल ना, जैसे माइकल जैक्सन था. True. तो वैसे ही शाहरुख खान है. सो या मैं तो फिर भी बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, आई माइट हैव यूज्ड हिम. आई फील उसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो बहुत अच्छी है. दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, ही इज अ गुड एक्टर और नॉट. But his intensity, his authenticity towards emotions, whatever he's feeling on screen, he makes you feel that. वो हंस रहा है तो वो आपको हंसाएगा, वो रो रहा है तो वो आपको रुला देता है, अगर आप वाकई एंगेज हैं. तो वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं एक्टर्स. That's a बड़ी different आपने बात एंगल उठाया. And it also depends कि आप किस तरह के एक्टर हैं, किस तरह यूज़ करते हैं. Are you trying to imitate him? The way he talks and the way he, you know, shakle banata hai, you try to feel what he feels on the screen. So yeah. But I like that point jo aap keh rahe ki intensity aur unki jo honesty hai aur unka jo janoon hai ya wo jo unki ye effort hai ki wo jo feel kar rahe hain, wo character jo feel kar raha hai, audiences ko wo feel kar rahe hain. That's a very interesting point. And agar ye utha le to then you don't need to imitate him. And I think isi tarah aap logon se inspire ho sakte. कहाँ पैदा हुए हैं आप, कहाँ की एजुकेशन है, कुछ ये बताएं? मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है. मेरी अम्मी ने मुझे बताया था. देखो, he has a funny side to him. अब आप देखें, इससे आगे के इंटरव्यू का मुझे पता नहीं, तो आप मुझे क्रेडिट दे दें that I did make you say something funny, right?
किस शहर में था वो हॉस्पिटल? कराची में था। कराची में, घर में रहता था, नॉर्मल सा छोटा सा अपार्टमेंट था, और मेरी वालदा है, मेरे वाले साहब हैं, मेरी दादी उस वक्त हयात थी, अब नहीं है, और हम तीन भाई हैं, आई एम द मिडिल वन, और अब माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई के एक बेटा भी है, मेरी वाइफ है, और इस तरह से फैमिली बढ़ गई। चार कुत्ते हैं हमारे घर पे, और जर्मन शेफर्ड, और दो तोते हैं। किसका शौक है, किसका शौक है? नहीं, ये मेरे भाइयों के शौक है, मुझे नहीं। आपको नहीं? मुझे है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जो मैं नहीं कर सकता, उसके साथ बहुत अटैच होना पड़ेगा, फिर मैं उसके मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत है, आई एम नॉट अप फॉर इट। ओके, कहाँ से पढ़ा हुआ है? एक बहुत नॉर्मल से स्कूल था, हिलक्रेस्ट, शरीफाबाद एक इलाका था कराची का, वहाँ पे, वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने एक प्रीमियर कॉलेज वहाँ से बीकॉम सॉरी किया, फिर उसके बाद आई वेंट टू नैपा। नैपा में मैंने 2.5-3 साल लगाए, जब मेरा डिप्लोमा ख़त्म होने वाला था तो फिर वो छोड़ दिया। देन आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, फिर देन आई डिसाइडेड यार अगर एक्टिंग ही करनी है तो फिर देखते हैं, तो फिर एक्टिंग शुरू कर दी थी। स्टार्टेड एक्टिंग फॉर वेरी यंग एज, 20 साल या 19 साल की उम्र से शुरू कर दिया। तो घर पे प्रेशर नहीं था कि क्यों एक्टिंग कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कंप्लीट करो? था, माय फादर वांटेड मी टू डू सीए, वो चाहते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि यार मुझे नहीं करना हूँ, और फिर मैंने उनको ये भी समझाया, क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि पढ़ाई या एजुकेशन जो है वो सिर्फ सिलेबस की हद तक नहीं महदूद हो सकती। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं अच्छे स्कूल और कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते, तो क्या एजुकेशन उनके लिए नहीं हो सकती? बट आई थिंक देर इज़ अ वे, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाहर भी बहुत चीज़ें हैं। तो वो देखते भी थे कि हाँ चलो पढ़ता रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, सो मे बी ही व्हाट ही सेइंग इज देयर मस्ट बी सम ट्रूथ। सो हाँ, और किया, फिर देन ही गॉट हैप्पी कि जब व्हेन ही एक्चुअली सॉ दैट हैपनिंग एंड ही एक्चुअली सॉ के जिस यूनिवर्सिटीज़ में मैं इसको चाह रहा था भेजना, उस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इंटर्नशिप लेके इसके पास आ रहे होते हैं सीखने के लिए इन थिएटर, सो ही गॉट हैप्पी, ही गॉट सेटिस्फाइड। डायरेक्टर उसामा अली रज़ा के पास आप पहले पहुंचे? अच्छा, हाउ डू यू नो दैट? मुझे पता है, मुझे जर्नी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, तो हाउ डिड यू, कैसे आप उनके पास पहुंचे? कुछ नहीं, आई थिंक आई वाज 16 एट दैट टाइम। वाओ, इतने छोटे थे आप? हाँ, मैं बहुत छोटा था। तो ख्याल कैसा आया उनके पास जाने का? मेरे मामू जो है ना, मुझे वो इंटर्नशिप के लिए कहीं जॉब करवा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरा एक दोस्त है डायरेक्टर, तो मैं तो उसके पास भेजता हूँ, उससे जाके मिलो। सो आई वेंट देयर, तो वहाँ पे वो एक ड्रामे की शूट कर रहे थे, काश मैं तेरी बेटी ना होती। ओके। जियो पे चला था, बहुत पुराना। तो मैं पहली दफ़ा गया, मैंने सेट देखा और ये वो, मैंने कहा अच्छा ये काम ऐसा होता है ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें एक्टिंग करने का शौक है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक रोल दे देता हूँ, अगर तुम्हें फेमस होने का शौक है तुम कर लो, लेकिन अगर तुम्हें वाकई इसको लॉन्ग टर्म देख रहे हो और इसको समझना है और करना है, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि अभी ये रोल मत करो, तुम इसको सीख कर आओ। okay. मैंने कहा अच्छा वो कैसे होता है? आई वाज वेरी नाइव, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर है सलीम मिराज, उनसे जाके मिलो, वो थिएटर करते हैं। मुझे थिएटर भी नहीं पता था क्या होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फिर रोल ना दें आप, मैं तो फिर सीख के आता हूँ। वैसे बड़ी बात है, उस एज पे टेम्पटेशन तो ही होती है कि रोल मिल रहा है यार कर लूँ, बट आपने चूज़ किया कि नहीं मैं सीख लूँ। हाँ, पता नहीं, वो अंदर से एकदम आया था कि हाँ, मैं कर लेता हूँ। okay. फिर आई वेंट टू मीट सलीम मिराज, तो ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे बताया थिएटर क्या होता है ये वो, और फिर उन्होंने मुझे सॉरी मैं कट कर, आपको पता था सलीम मिराज के उस वक्त कौन है, क्या उनकी स्टैंडिंग है, एक्टर है इतने बड़े? नहीं, आपने उनका कोई काम भी नहीं देखा हुआ था? देखा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसके, मैं जब बॉलीवुड और देख के बस निकला हुआ था ना भारत। okay, ठीक है, हाँ। तो पाकिस्तानी ड्रामे देखे ही नहीं थे कभी, तो मुझे इनफैक्ट काफ़ी लोगों का नहीं पता था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नैपा करके एक अदारा है आर्ट्स काउंसिल के सामने, जो ये सिखाता है, दी ओनली इंस्टीट्यूशन जो एक्टिंग सिखाते हैं। फिर आई वेंट देयर, नैपा गया, वहाँ ऑडिशन होते हैं, देन आई वेटेड, फिर ऑडिशन दिए। वो पहला ऑडिशन जो था वो बड़ा फ़नी था,
उन्होंने मुझे कोई उर्दू में खालिस उर्दू में लिखी हुई कुछ चीज़ें देनी थी जो उन्होंने मुझे नहीं हैंड ओवर की ऑडिशन के लिए। जब मैं वहाँ गया तो पैनल पे ज़िया मोहिद्दीन, राहत अली, राहत काजमी और तलत हुसैन और ये सारे बैठे हुए थे, 8-10 लोग। और तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परफॉर्म करें, तो मैंने अपना कुछ तैयार किया हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जो आपको पेपर दिया था वो परफॉर्म करें। मैंने कहा वो तो मुझे कोई पेपर ही नहीं मिला। तो जो है ना, एकदम से उनके बीच में कोई डिस्कशन शुरू हो गई और मैं ऐसे खड़ा हुआ था और वो सामने बैठे हुए थे सारे। तो मुझे लगा, थोड़ी देर के लिए फील हुआ कि शायद अब ये मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं। तो देन आई विदाउट यू नो लेटिंग देम नो, मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और वो परफॉर्म मैंने क्या किया, मैंने जिस्म 2 फिल्म का एक सीन था रणदीप हुदा का, वो मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और मैंने खुद रणदीप हुदा अपने आप को इमेजिन किया और ज़िया मोहिद्दीन वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, और मैंने उनको सनी लियोनी बना दिया। हाँ, सही है। और मैं वो परफॉर्म करते करते उन तक गया और मैं चलते हुए फुल मैंने ना बॉलीवुड वाली जो होती है ना वो मैंने परफॉर्म किया। बट आई थिंक अगेन देयर वाज सम ट्रूथ टू इट, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, बट वो सब बकवास था। बट लेकिन कुछ सच्चाई थी जो दैट ही मस्ट हैव आल्सो फेल्ट इट व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिज आईज बीइंग रणदीप हुदा एंड ट्राइंग टू इमेजिन हिम दैट ही इज सनी लियोनी, 81-year-old मैन, यू नो, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड नो बडी। मतलब वो बैठे हुए थे तो जो बाकी टीचर्स थे उन्होंने भी इतना स्पेस लिया हुआ था उनकी सीट से, मतलब उनका ये ऑरा है वहाँ पर। एंड आई जस्ट स्ट्रेटली लाइक वेंट अप टू हिम एंड बी लाइक यू नो, डायलॉग बोलना शुरू कर दिया ऐसे कि ना वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो मैंने वो जब किया तो ही मस्ट हैव फेल्ट इट। तो ये एक चेहरे पर उनकी एक स्माइल आई। फिर उन्होंने कहा मैं आपको एक पीस दे रहा हूँ, आप ये भी परफॉर्म करें। फिर मैंने वो पीस 10 मिनट उन्होंने मुझे दिया, मैंने परफॉर्म किया। Then he was the only one who was interviewing, you know, taking interview. और मुझसे पूछ रहे थे कि आप इसको करेंगे सीरियसली? मैंने कहा हाँ हाँ मैं करूँगा। उन्होंने कहा आप छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ के नहीं भागूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दैट्स हाउ आई गॉट इट स्टार्टेड। हाँ, नापा शुरू हो गया। भाई बहुत बहादुर हैं आप। I'm impressed कि जिसम 2 का सीन करना भाई आपके तो नाम हिस्ट्री में हाईलाइट होना चाहिए। ये आपका हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये हमारे इंटरव्यूज है ना, आर्काइव बन रहा है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। तो ये जाएगा कि वो बंदा जिसने जिसम 2 जियामोहिद्दीन को सनी लियोनी बना के किया वो ये है। तो ये डेफिनेटली बट इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक ये गट्स भी और ये टैलेंट की जो पैशन है वो भी उनको कहीं ना कहीं क्लिक किया होगा। मे बी शायद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो। सो सलीम मिराज से मिलना कैसा था, कुछ याद है तब की मुलाकात? और अब जब आप उनसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अब तो भूल गए, उनको याद भी नहीं है। याद भी नहीं है? नहीं, मैं 16 साल, अच्छा 16, बाय द वे आई विल टेल यू, 16 साल का मैं जो है वो एक था, नॉर्मल हाइट का था। लेकिन मैं जब 17-18 क्रॉस कर रहा था मेरी हाइट एकदम से बड़ी हो गई। तो वो उनको उस तरह से याद नहीं है। मैं उनको अभी भी दिलाता हूँ याद, और वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे उनकी शक्ल से पता लग रहा था बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। मैं कहा ये हुआ था? कह रहे हाँ। फिर क्या हुआ था? नहीं याद आ रहा। But he was kind enough, like to. I think that was very nice of him to guide you. Yeah, very nice. I'm always thankful to him. अब हम जब मिलते हैं या recently काम करते हैं तो मैं बहुत thank you बोलता हूँ उनको इस बात का कि उन्होंने मुझे सही जगह बता दी, सही रास्ता बता दिया। मैं ये भी पढ़ रही थी कि आपने फिर फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नापा के लास्ट ईयर में छोड़ दिया था टुवर्ड्स द एंड, और लेकिन फिर एक्टिंग करने का सोचा। एक्टिंग तो मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम लगता है पैसे कमाने में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई वुड से। तो ये क्या, इसके कुछ शेयर करेंगे कुछ थॉट्स क्या था? अगेन आई डोंट नो, पता नहीं, एक बहुत ज़ोर से कॉलिंग थी कि यार ये करना है। मतलब थे हालात, इतने बुरे नहीं थे, सही थे। फाइनेंशियल हालात से मुराद ये कि आप होता है ना, एक प्लान ए होता है, प्लान बी होता है आपकी लाइफ में। व्हेन यू बैक, यू फॉल बैक ऑन प्लान बी, बट देयर स्टिल अ प्लान। तो वो वाली सिचुएशन थी, देयर वाज अ प्लान, देयर वर थिंग्स, बट या आई डोंट नो, मुझे लगा कि शायद ये सही है। क्योंकि उससे पहले मैं कुछ जॉब्स कर रहा था, चीज़ें चल रही थी साइड में, स्टडीज़ भी चल रही थी। तो आई यूज़ टू टीच स्टूडेंट्स, लाइक ट्यूशन्स भी दे रहा था। फिर देन आई स्टार्टेड अ कॉलिंग सेंटर, कॉल सेंटर विद माय कज़न, वो भी चल रहा था। फिर पीआईए में एक जॉब थी, वो भी साथ में, फिर बीच में आई।
एंड देन एक्टिंग बीच में 16 साल की उम्र से आप ये सब चीजें कर रहे हैं. हां, बैक टू एक्ट एवरीथिंग. तो कितना मुश्किल था जब अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हो जिंदगी में और उस एज पे कैसे मैनेज करते हैं, क्या चल रहा होता है एक यंग लड़के के दिमाग में, इज इट ओके, इज इट चैलेंजिंग? अब आप वापस देखते हैं तो कोई ऐसी चीजें जो आप उस जर्नी का हमसे शेयर कर सकें, कुछ स्ट्रगल्स शेयर कर सकें और लोग जो इसी स्टेज से गुजर रहे हैं उनके लिए? उस वक्त तो मुझे नहीं पता लगा. उस वक्त इतना मैं पागल था, अंधा था एक चीज़ को फॉलो करने में कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि इर्द गिर्द क्या चीज़ें कमी हैं या क्या नहीं होनी चाहिए. Which is a blessing in disguise, I think. हाँ, I think it was. But now I look back, I think it was very difficult time, you know. But I feel like everybody go through it, and difficult time makes you, you know. I'm thankful that I got through all of that, you know. वरना मुझे वो एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ें नहीं मिलती शायद. किस तरह के एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल? आई थिंक इट शेप्स यू. इफ आसानी से सब कुछ हुआ होता तो शायद इतनी वैल्यू ना होती चीज़ों को. मैं इतना निडर नहीं होता मैं. मतलब आज अगर 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस वर्क एंड स्टार्ट समथिंग एल्स, आई डू इट इन अ हार्ट बीट. Okay. Because I know that I can start from minus or scratch and start doing anything that I would like to. Resilience aa gayi aapke andar. Yeah, you can say that. Okay. But kis kisam ki struggle thi, matlab kya? Bhai, jo har kisi ki hoti hain, like. Kuch kissa suna de mujhe, please. Jab mera pehla mujhe ek commercial theater play mila tha, Avanti, to uski rehearsals hoti thi Beach Luxury mein. Mera ghar usse thoda dur hota tha, to mujhe mere paas ek bike hoti thi 125. To uska aage ka jo mudguard hota hai wo kharab toot gaya tha. तो मैं आ रहा था तो बारिश हो रही थी. दैट्स हाउ आई रिमेम्बर इट. तो वो जब चल रहा था, टायर रोल हो रहा था, तो उसकी कीचड़ उछले जा रही थी. आई डोंट हैव हेलमेट विद मी, तो मेरे फेस पे आया जा रहा था. बाय द टाइम जब मैं होटल पहुंचा वहाँ पे रिहर्सल्स के लिए, तो मैं पूरा कीचड़ में था. एंड आई सॉ पीपल कमिंग इन द कार, यू नो, आराम से, और मैं लीड कर रहा था उसमें माजरू. I felt like, yeah, ये तो बहुत ही. I went up to the washroom, वहाँ director भी था. I was like, shit, man, क्या मतलब इतना मुश्किल क्यों है? But I was like, चलो फिर. लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि कोई फिल्म का सीन चल रहा है, यू नो, अंडरडॉग में मेरे साथ जो हो रहा है, यू नो, आगे कुछ अच्छा होने वाला है, यू शेप यू. तो वो सोच के मैं टाइम गुजारता रहता था. इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी. पैसे नहीं होते थे कभी, कुछ नहीं होता था कभी, बहुत होते थे कभी नहीं होते थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी. और मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी रूट लिया. किस तरीके से? व्हाट यू मीन? मतलब जब मैंने ड्रामे की तरफ मेरा रुख हुआ, तो एक्चुअली मुझे ड्रामे करने नहीं थे. मुझे ये था कि हाँ, फिल्म करनी, पर पाकिस्तान में तो फिल्म होती नहीं थी. एंड आई वाज वेरी नाइव कि अच्छा, मुझे लगा हाँ, मैं ये करूँगा, सीखूंगा यहाँ से. आई वेंट टू आई गो टू इंडिया एंड आई डू फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट. ये मेरे दिमाग में था. अच्छा. बट जब मैं ग्रेजुअली बड़ा हुआ और मैंने देखी रियलिटी, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. देयर आर बाउंड्रीज. पासपोर्ट लेते हैं, जाते हैं, यू नो, यू हैव टू बी द सिटीजन. आई कैन नॉट बी द नेक्स्ट एसआरके जस्ट लाइक दैट. हां, यू कांट, यू नो, इट वन इन अ मिलियन. तो ये था, हां, ये स्ट्रगल थी. आप कहते कि रूट बहुत लंबा लिया आपने. रूट लंबा लिया, बहुत ऑनेस्ट रूट था कि ऑडिशंस देने चला जाता था. उस पे आते हैं, वो भी डिटेल में मुझे बात करनी है कि प्रोडक्शन हाउस पे आप गए, आपने हर जगह, मतलब मैंने ड्रामा देखा, अच्छा ये ड्रामा है, तो एंड में क्रेडिट्स आते हैं, उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा है. वो फेसबुक पे सर्च किया, फेसबुक पे देखा एड्रेस ये, वहाँ पहुँच गया. वहाँ पहुँच के उनको बताया कि ये थिएटर किया हुआ है, और जो है ना, बस ऐसे ही आ जाते चले जाते थे. पहली दफ़ा ऐसे ही चला गया. और वो लोग मिल लेते थे आपसे? नहीं, मतलब लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स लोगों से इधर उधर. वही उसामा को दोबारा कॉन्टैक्ट किया जब उस अपनी जर्नी 2-3 साल थिएटर में लगाने के बाद, उसके बाद दोबारा गया. अच्छा. He didn't recognize me. Okay. And obviously he didn't. Nahin, I'm fine. I understand his nature of job. Na, आप एक दिन में 40-50 लोगों को डील कर रहे हैं, तो आपको कैसे याद रहेगा कि एक बच्चा मिला था मुझे 10-15 मिनट के लिए. तो उनको बताया, उन्होंने मुझे एक लिस्ट थमाई कि ये प्रोडक्शन हाउस में सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे जो नहीं होते कास्टिंग डायरेक्टर्स. तो फिर मैं उनके पास गया. उस वक्त डिस्क होती थी कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, यू नो, शरीफ सा प्यारा सा बच्चा. आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर दैट किड यार. सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आपको यहां तक पहुंचाया है? सो ऑनेस्ट. किड ने आपको यहां तक पहुंचाया है माशाल्लाह से. हां, मतलब दैट्स फाइन. मतलब आई डोंट टेक एनी प्राइड इन व्हाट आई एम टुडे, बट इट्स फाइन. इट कुड हैव बीन डन इन अदर वे आल्सो, बट आई फील बैड फॉर दैट किड बिकॉज ही वाज ब्लाइंडली सो ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, यू नो, लाइक मुझे अच्छा काम करना है. तो क्या उसको उस बच्चे को जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है, उसको कोई कीमत देनी पड़ी इस ऑनेस्टी की?
कीमत क्या देनी पड़ी उसने, बस यही है कि उसकी थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो गई क्योंकि तो क्या दूसरा रास्ता क्या ले सकता था उसके पास, और दूसरा क्या रास्ता था, यही रास्ता है नहीं? दूसरा रास्ता ये था कि मैं एक्टिंग स्कूल की जगह जिम चला जाता, बॉडी बना लेता, अपनी अपीयरेंस पे काम करता, मैं अपनी वो जॉब रखता, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मे बी इट्स फाइन, बट आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर. तो मुझे तो ये था कि मुझे एक्टिंग का शौक है. हाँ, मुझे ये नहीं था कि लोग मुझे जाने और जो है ना मैं फेमस हो जाऊँ. सीरियसली? हाँ, ये कहीं भी पार्ट नहीं था कि लोग मुझे अभी भी नहीं है. अच्छा, ओके. आपको लग नहीं रहा शाइनी शूज देख के? शाइनी शूज तो कह रहे, लुक एट मी, शाइनी शूज, वेरी सटल शाइनी शूज, द वाइट शर्ट विद शाइनी शूज, आई सेइंग डोंट गो ऑन द वाइट शूट, वाइट शर्ट, गो ऑन द शाइनी शूज, दिस इज द अवतार, द रियलिटी इज हियर. सॉरी, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट. बढ़िया. हाँ, नहीं, दिल नहीं था कि लोग जाने और ये बस एक्टिंग अच्छी करनी थी और अच्छे लोगों के साथ काम करना था. तो कितना मुश्किल था जब जगह जगह आप प्रोडक्शन हाउसेस पे दरवाजे खटखटा रहे थे, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर कर सकें? आई एम श्योर बहुत डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंसेस भी होंगे. फिर फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? लकली इतना, मतलब आपने तो ऐसे बताया कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ. भाई आपने जहाँ मैंने सुना जहाँ पढ़ा है वहाँ आपने ऐसे ही लिखा था, मैं जगह जगह जा रहा था. कहाँ पे पढ़ा आपने? एक आर्टिकल में ही पढ़ा है. किसने लिखा ये आर्टिकल? कौन है ये? भाई वो आपका ही इंटरव्यू है. और देखिए ये सच है तभी तो मुझे पता है ना. लेकिन मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने तो बताया कुछ और होगा, उसने इसको थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया होगा कि मैं दरवाजा खटखटा रहा था. रियलिटी बता दें, आप बेल बजा रहे थे? नहीं, बस वो ओपन गेट था, मैं अंदर चला गया. अंदर गया, मैंने कहा ऑडिशन. सॉरी, वी आर बीइंग सो लेम टुडे. नो नो नो, इट्स फाइन, इट्स एक्चुअली गुड. सो बस वैसे ही चला गया और जाके ऑडिशन दिया. बट स्ट्रगल ये था वहाँ पे कि मैंने थिएटर किया हुआ था और मैं थिएटर में भी जो है ना वो बहुत अच्छे से जलन नहीं हुआ था बिकॉज थिएटर की लैंग्वेज थोड़ी लाउड है. yeah. और मुझे प्रॉब्लम है लाउड चीज़ें करने से. मुझे वो ईजी लगता है. Okay. कि अगर आपने 500 लोगों को रीच आउट करना है, अपनी आवाज़ और डायलॉग और एक्सप्रेशन वहाँ तक पहुँचाना है, तो वो मुझे ईजी लगता है करना, रादर देन यू नो स्टेइंग इनसाइड एंड यू नो फीलिंग समथिंग इनसाइड और वो रिफ्लेक्ट करना, इसको सटल तरीके से बताना. हाँ, मतलब महसूस करना उस चीज़ को. तो वो मैं जाके ऑडिशन में करता था और मुझे सब यही बोलते थे कि जो है ना ये तुमने तो कुछ किया ही नहीं. फिर उन्होंने मुझे किसी का ऑडिशन दिखाया, किसी एक्टर का, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. तो नाम नहीं ले सकते? नहीं, मैं नहीं ले रहा. तो उन्होंने ऑडिशन दिखाया, उसने 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 था, उसने मिमिक्री की हुई थी किसी की. ओके. एंड दे वर गिविंग मी रेफरेंस कि यार ये देखें आप क्या उसने. आई वाज लाइक दैट्स अ मिमिक्री, इट्स नॉट एक्टिंग. आई कैन प्ले अ कैरेक्टर, मतलब मैं मिमिक्री कर सकता हूँ किसी की भी. तो वो इनको चाहिए, तो मैंने वो किया, वो ऑडिशन हो गया. I got my first project. I was like, wow. Wow. They want this. इनको ये चाहिए, spoon feed कर रहा है इनको. They don't want authenticity. इनको चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इनको बताएं कि मुझे गुस्सा आ रहा है. उनको प्यार चाहिए तो बताएं मुझे प्यार है ना, रोना आ रहा है. तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे ये एक्टिंग की लैंग्वेज. बट ठीक है, मैंने कुछ किया हुआ नहीं था तो मेरे लिए वो भी एक्साइटिंग था टू गो ऑन सेट एंड सी हाउ इट यू नो. सो मैंने वो किया, बट देन इनिशियली आई रियलाइज दैट दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी as an actor. Okay. Yeah. The journey is still going on. I mean, what options do you have? Okay. You have to keep doing whatever is so in front of you. This is not your cup of tea, but you are still doing it. As an actor, yeah. It's not. And I'm not looking down upon it. I'm just saying their language is different than what I want to do as an actor. So why are you doing it? Because there are no other options. You have to, it's a creative process. आपको वो तो उसको तो exercise करना. छोड़ मत करें acting को, business करें, नहीं आपका जो creative juice है उसको आपने, अब acting एक वैसी चीज़ है ना कि आपने उसको regularly practice तो करना ही है ना कहीं ना कहीं. अगर वो मैं छोड़ दूँगा. तो आप acting करना चाहते हैं लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है या जो चीज़ हो रही है वो आपका cup of tea नहीं है, is that correct? हाँ, that's what I'm saying. Yeah, yeah. Okay, I'm not looking down upon anything. I'm not saying कि ये बुरा काम कर रहा है. I'm just saying as an actor मेरे लिए उतना challenging नहीं है. आपको वो creative ways नहीं मिल रहे अपने आप को express करने के लिए जो आप देखना चाहते हैं? हाँ, and I'll tell you how. दो frames या तीन frames पे काम होता है ना. एक आपका master shot होता है, एक आप close पे आ जाते हैं TV पे. ठीक है, तो आपकी जो mostly acting हो रही होती है 95% or 80% in the scene वो यहाँ से हो रही होती है, right? You're telling the expression. फिर आपका एक narrative है. ठीक है, कि किस नैरेटिव पे आप स्टोरीज बना रहे हैं. हमारे यहाँ का नैरेटिव औरत है, राइट? हमारी ऑडियंस जो है वो घर पे बैठी हाउसवाइफ है.
तो उसको बेचने वाला नैरेटिव वो है जो घर के अंदर की कहानी है, सास बहू वाली हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई. बहुत इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, बट इस तरह का नैरेटिव बेच रहा है. उसमें मर्दों के किरदार किस तरह के होते हैं, उसमें किस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो इतने वसी नहीं है क्योंकि आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. तो उसमें जो मटेरियल आपको मिलेगा एज एन एक्टर एक्सरसाइज करने के लिए वो लिमिटेड ही होगा ना. इफ आई गेट अ फुल ऑन फ्रेम टू बी यू नो जस्ट प्ले विद माय बॉडी, दैट विल बी चैलेंजिंग. इफ आई गेट टू से लाइंस वेयर आई कैन मूव नॉट स्टैंडिंग इन वन पोजिशन एंड टेलिंग यू एवरीथिंग थ्रू माय माउथ कि मैं वहाँ गया और एक्सीडेंट हुआ ये वो, साइलेंस पे काम नहीं होता यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं होता जो बाकी जगहों पे लोग इवॉल्व कर गए हैं और कर रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली एक बिजनेस है बाय द एंड ऑफ द डे. वो ड्रामा इसलिए नहीं बना रहे कि मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने, वो इसलिए कमा रहे क्योंकि उन्होंने पैसे बना लिए. फिर वो बाद में उसको जिस चीज़ का भी नाम दे दें कि हमने एक सोशल मैसेज देना है या हमने ये करना है, वो एक अलग उसकी पैकेजिंग ब्रांडिंग है. बट इनिशियली तो वो यही है ना कि एक बिजनेस मॉड्यूल है ना, दे वॉन्ट देयर मनी बैक. So I am just a very little part of it. Okay. So that's why I said it's not my cup of tea. Okay. Okay. Thank you for explaining this. It's an interesting point of view. And I think बहुत हद तक सही भी है काफ़ी जगहों पर. अच्छा तो थिएटर में एक बड़े इंटरेस्टिंग वाक्य आपके साथ एक दफ़ा हुआ मैंने सुना है. I know where you get it. Fine. Well, how do you live with it? मुझे एक ही वाक्य था वो. 500 लोगों के सामने शलवार उतर जाए तो how do you live with that afterwards? I think मैं दोबारा पैदा हुआ उसके बाद. अंदर से मैं मर गया था. फिर मैं दोबारा पैदा हुआ. मेरा नया जन्म. I was listening to you. I was like, आपने वो सीन पूरा किया, वो शो पूरा किया. Confidently you walked out. No, this overconfident always there. Yeah, बहुत आप माशाल्लाह से. I admire your confidence. Your अब share करें ना audience के साथ हुआ क्या? क्या मेरी शर्मार उतरी थी? मज़े का वाक्य है नहीं? हाँ बहुत. अगर uncomfortable है तो it's okay. सुनने के लिए बहुत मज़े का वाक्य. जिसके ऊपर भीती थी उसके लिए अच्छा वाक्य नहीं था. 500 की ऑडियंस थी क्योंकि उस दिन हमारा शो फुल था. आर्ट्स काउंसिल ने कुछ टिकट्स भेज दी थी कुछ फैक्ट्री के वर्कर्स को. वो अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे और वो सिर्फ सीट्स पे नहीं बैठे हुए थे, वो जो नीचे ग्राउंड था उसको भी फिल अप कर दिया था. बाहर लोगों को उन्होंने रोक दिया था. मेन शो चल रहा था, एक शो सुबह हो चुका था, दूसरे शो चल रहा था. मैं दो रात का जागा हुआ था. ईद का सेकेंड नहीं थर्ड डे था और उसमें एक सीक्वेंस था, एक अवंती प्ले था हमारा म्यूजिकल जो अडेप्टेशन थी आजा नचले, एक माधुरी दीक्षित की फिल्म है बॉलीवुड की, उसकी अडेप्टेशन थी. तो उसमें एक सीक्वेंस था एंड में लैला मजनू का. आई वाज प्लेइंग मजनू और उसमें एक डांस सीक्वेंस आता है जहाँ पे वो बड़ा इंटेंस होता है और जिसमें वो बड़ा रोमांटिक सा होता है. सारे पीछे बैकग्राउंड डांसर्स लड़कियों को उठा रहे हैं गोद में और मजनू जो है वो ऐसे लीड लेते हुए स्टेज की, वो ऐसे मैं उसको बैठ के घुटनों पे लड़की को यूँ भेजता हूँ वो ऐसे वॉक करके आगे जाती है. मैं नीचे झुकता हूँ, ऊपर उठता हूँ तो वो ऐसे पलटती है और वापस आती है. एंड शी जंप्स ऑन मी एंड आई टेक हर ऑन माय यू नो हैंड्स एंड आई रोल अराउंड. इस तरह का था पूरा सीक्वेंस. सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब वो सीक्वेंस हो रहा था तो मैंने उसको भेजा. मैं यूजली हमारा वो आई थिंक 36वां शो था तो जब मैं उसको बेचता था वो एक सिमिलर, मुझे पता था कि एक यू नो फेमिलियर एक्सप्रेशन है जो वो देगी पलटने के बाद. उस दिन कुछ अलग हुआ. मैंने उसको भेजा तो वो पलटी तो उसका एक्सप्रेशन कुछ और था. वैसे वो यूजली ना यूँ पलटती थी, अब उस दिन वो पलटी तो उसका एक्सप्रेशन यूँ था. मैंने कहा ये इसको क्या हो गया. मैं अपने उसमें था, फुल परफॉर्मेंस की यू नो उसमें था, मुझे पता नहीं. अच्छा मैं वो आई भागते हुए, जब वो आई तो मैंने उसको जंप किया, मैंने पकड़ लिया उसको. अब जब मैं घूमने लगा तो मैंने देखा मेरी टांगे मेरा साथ नहीं दे रही. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं घूम क्यों नहीं रहा. खैर मैंने उसको नीचे उतारा और मैंने नीचे जैसे उसको उतारा तो मैंने देखा मेरी जो शलवार थी वो यहाँ आई हुई थी नीचे. बॉक्सर्स पहने हुए थे मैंने और मैं बिल्कुल स्टेज के साथ था और मैंने एक नज़र जो है ना मैंने ऑडियंस पे मारी तो ऑडियंस में ना सा जो फ्रंट रो थी ना उस पर ना लोग यूँ थे और मेरी वो नज़र गई है और बीच में वो गाना चल रहा है और क्यूज़ हैं उस गाने में, सेकंड्स के क्यूज़ हैं जिस पे हमें वो मूव्स लेनी है वरना वो पूरा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड डांसर्स और लोग सारे इन सिंक हैं क्योंकि एक ने वहाँ आके खड़ा होना है तो दूसरे ने वहाँ आके खड़ा होना है. और वहाब शाह ने कोरियोग्राफ किया था बहुत अच्छा लेकिन उस दिन मेरे लिए बड़ा मसला हो गया था.
अच्छा वो शलवार जो थी वो चूड़ीदार थी, तो नीचे से जो है ना उसका जो पाइचा था वो बंद था। अब मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, वो चूड़ीदार उतर के मेरे पैर के नीचे आ गई है। मैंने कहा क्या बकवास है, एंड आई कुडंट सी द ऑडियंस। मैंने कहा यार इनको देखना नहीं है, क्योंकि जो मेरी पहली नज़र उन पर पड़ी थी वो जो उनका एक्सप्रेशन था ना उसने मेरा दिल हिला दिया था। हाँ। मेरा दिल मेरे जो है ना मुँह में आ गया था। हाँ। जो कहते हैं ना वो मुझे फील हुआ था बकायदा। खैर वो मैंने पता नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने स्टेप्स के साथ, मैं उसको बार बार ऊपर कर रहा हूँ एंड देन दे कम्स अ पॉइंट जो लकली वो पता नहीं कहाँ ऊपर मैंने यूं किया उसको और वो स्टक हो गई। बचत हो गई, स्टक हो गई। अब जो भी आ रहा है ना, लैला चली गई, लैला के बाद वो एक आता था तलवार लेके मारने वाला, वो भी बेचारा डरा डरा आ रहा है कि उसको बैकग्राउंड से भी देख रहे, सबको पता लग गया। तो वो आया उस दिन, अब वो जो साथ में तलवार होती थी ना, तलवार नहीं छोटा सा वो नेजा क्या कहते हैं उसको, खंजर, वो भी शलवार के साथ लगा होता था, वो भी नीचे चला गया था। अब वो तरके पता नहीं कहाँ निकल गया, मैंने प्रिटेंड किया हवा में कि मेरे हाथ का नेजा, और वो मैंने सीक्वेंस पे, और वो सीक्वेंस इतना मजे का था लाइट्स के साथ, वो जाके उसको मारता है और मारने के बाद, और वो ऐसा सीक्वेंस था हमारा जो जिसपे हमें पता था 101% की तालियां आती हैं इसमें ना, मतलब वो ऐसा था जब हम रेगुलरली कर रहे होते थे तो वो करने के बाद हम पीछे जाते थे यू नो पसीने आ रहे हैं और पानी की बॉटल कहाँ है और यू नो पीछे तालियों की आवाज़ गूंज रही होती थी। तो वो हमने मैंने हवा में बस ऐसी माइम करके, कुछ भी नहीं था, मैंने उसको मारा, उस पर भी एक्ट आउट किया कि वो मर गया और लाइट 5 सेकंड पहले बंद हो गई, लाइट वाले को भी समझ आ गई कि मैं शो बचा लूँ। खैर उस दिन वो कोई ताली की आवाज़ नहीं आई, डेड साइलेंस हो रहा था और मैं पीछे गया। उस दिन तो ताली जरूरी जरूरी थी, बननी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू कंटिन्यू दिस। आई डोंट नो, पीपल डजंट सी इट लाइक दैट, मे बी आई थिंक इट वाज, मैं तो स्टैंडिंग ओवेशन देती थी ऐसे एक्टर का, दे माइट हैव यू नो एंजॉयड इट इन अ डिफरेंट वे कि यार ओ मेंशन नहीं किया उन्होंने कि ये भी था, बच्चों की उस पे हाथ रख दिए होंगे कुछ और टिकट किसी और को जाके इमेजिन कर रहे होंगे कि व्हाट अ शो, तो टिकट किसी और चीज का था, मिल कुछ और किया, मैंने कुछ और शो कर दिया। बट वो खैर वो उस वक्त तो ऑब्वियसली ये फीलिंग थी कि यार ये क्या हो गया। मुझे ये हो रहा था कि यार वो, मुझे उस वक्त भी ये हो रहा था कि वो पूरा सीक्वेंस खराब हो गया, बट फिर मुझे ये भी हो रहा था क्योंकि मुझे बस वो याद है कि जब मैंने ऑडियंस की तरफ देखा था तो वो जिस तरह बैठे हुए थे ना ऐसे देख रहे थे और यूं थे, उनके चेहरे पे मुझसे ज़्यादा खौफ था। मैंने कहा मुझे नहीं देखना, ये मुझ पर रिफ्लेक्ट होगा, मुझे नहीं चाहिए बस। तो फिर ठीक है, उसके बाद मैंने अपने आप को अंदर से कत्ल किया और फिर उसके बाद मैं दोबारा पैदा हुआ। मैंने कहा चलो देख लिया गया है, सही है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। I've grown out of it, but ये था वो वाकया। But उसके बाद डर नहीं लगता दोबारा स्टेज पे जाते हुए कि अब फिर ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए? नहीं, अब मुझे ये लगता है कि अब मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया कि अगर ऐसी कोई चीज़ करनी हुई तो मैं कर लूँगा। हाँ, I can walk in underwear normally. हाँ, कम्फर्ट जोन से बाहर निकल गया। सोचें आप 500 बंदे के सामने अनएक्सपेक्टेडली आपकी शलवार उतर जाए, आप उस पर नाच रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सही है, पूरा सीक्वेंस कर रहे हैं तो अब तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सही है। कोई फैन रिएक्शन बताएं जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो शेयर कर सकते हैं, और पहली बार कब कुछ ऐसा हुआ जो लाइक यार आई लाइक बीइंग एन एक्टर? अच्छा, शुरू में इनिशियली इट वाज वेरी, मतलब एक 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 पॉइंट होता है ना जहाँ पे आप आधे मशहूर होते हैं, आपके एक दो प्रोजेक्ट्स चले होते हैं जो लोगों ने देखे होते हैं, बट लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो वो आपके पास आते हैं कि हम आपकी सेल्फी लें, आप प्लीज़ आ जाए सेल्फी लें। अब वो सेल्फी ले रहे हैं और लेते हुए आपसे कहते हैं बस आपका कौन सा ड्रामा चल रहा है, बताता हूँ ले तो लो सेल्फी ली उसने। आप वो वाले एक्टर हैं ना, किसी और का नाम ले लिया, पता नहीं किसका, शुरू में लोग मुझे पता नहीं क्या बोलते थे, गौहर कोई एक्टर है ना, हमारा पूरा नाम बोलते गौहर रशीद की बात, गौहर रशीद, गौहर रशीद के भाई है ना, नहीं मैं और रशीद का भाई नहीं, वो ये पूछना होता था कि कौन सा ड्रामा है, फिर आप उनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या कैरेक्टर है उसमें, तो जाके देख लेना यार, मुझसे क्या पूछ रहा है, अजीब, तुझे पता नहीं है तूने पिक्चर क्यों ली, डिलीट कर डिलीट कर अभी। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते कुछ प्रोजेक्ट्स हुए तो नाउ दे कम अप टू मी एंड बी लाइक हाँ, बट मैंने मोस्टली आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, शायद इतने कन्विंसिंगली किए हैं कि लोग जब दूर से देखते हैं तो मुझे फील हो जाता है कि वो उसने पहचान लिया है, अब वो पिक्चर लेना चाह रहा है, वो पास नहीं आ रहा, उसको डर लग रहा है, कुछ हिम्मत करके आ जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं आप तो असल में इतने प्यारे और स्वीट से हैं, आप इतनी स्क्रीन पे इतने आप खौफनाक और इस तरह के क्यों, मैं कहा पैसे मिलते हैं मुझे इस काम के भाई
टू बी खौफनाक आई गेट मनी. तो इस तरह के वाकयात होते हैं, एज सच कुछ हुआ नहीं. हाँ एक दफ़ा हुआ था, समी जब किया था मैंने तो एक मॉल में मैं गया था, तो मतलब मैं रैंडमली चला जाता हूँ जैसे जाते हैं लोग शॉपिंग करने या कुछ करने, तो वहाँ पे एक खातून थी अपने बच्चों के साथ, तो वो पिक्चर ले रही थी, तो उसने कहा अपनी अम्मी को कि आप भी लें, तो उसकी अम्मी ने मना कर दिया. उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसने कौन, उन पंजाबी में कुछ कहा कि इन्हें कौन सा चंगा काम किया समी दे नाल दे, मैं इहदे नाल पिक्चर लावां, तुसीं ठीक नहीं किया उहदे नाल, ऐसे ना बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई थी वो. मैंने कहा पता नहीं बहुत ज़्यादा ही शायद कुछ कर दिया. सो ये था एक्सपीरियंस कुछ ऐसा. इंटरेस्टिंग. मैंने पढ़ा कि आपने समी के कैरेक्टर के लिए रिसर्च भी की थी, वो आसपास कहीं जेल भी थी, वहाँ भी अंदर जाके बैठ गए और सब कुछ. हाउ डिड यू नो ऑल ऑफ दिस? बस ये पूजिया मैगजीन की सोर्सेस पक्की हैं. सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट. आप अपने हर कैरेक्टर के लिए इतनी रिसर्च करते हैं, या दैट वाज वन ऑफ द कैरेक्टर्स? नहीं, इट वाज समी वाज द लास्ट प्रोजेक्ट जिसके लिए इतनी मैंने मेहनत की थी. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेहनत करने के लिए मुझे समझ आ गया जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है इतनी करने की मेहनत. उस वक्त आई थिंक काम शुरू में नया कर रहा था, तो मुझे ये भी जानना था कि मैं कैसा एक्टर हूँ या मुझे क्या आता है. कुछ मिस्टेक्स करनी थी, कुछ जानना था. तो उसके लिए व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू ट्राई टू डू एवरीथिंग. तो वो वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे हम जब शूट कर रहे थे भावलपुर के अंदर, तो वो जो कैरेक्टर था वो मेरे असल ज़िंदगी से बहुत दूर है. वो गांव में पला बड़ा है, वहाँ की मट्टी और वहाँ की रफनेस और उन सब चीज़ों में रहना, और वो माइंडसेट टू किल समवन, यू नो. तो कंदील बलोच का जो वाकया हुआ था, उसके भाई का जो इंटरव्यू हुआ था वो मैंने देखा था, और उसने मुझे इंस्पायर किया था. इंस्पायर वुड नॉट बी द राइट वर्ड. मतलब उसको आपने यूज़ किया कि फॉर रेफरेंस, मुझे वो हाँ रेफरेंस के वो स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा जहाँ पे यू एक्चुअली गो एंड किल समवन. आई कांट. अगर मैं सामने कोई चिड़िया भी रखी हुई हो तो उसको भी कोई चोट हो तो मेरा दिल अंदर से हिल जाएगा. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट कोई ऐसा है तो वो क्यों है और किस लिए है उसको जानना. तो उसके लिए जब हम भावलपुर गए, वहाँ पर हम जब शूट कर रहे होते तो मेरा मेकअप ये होता था कि मैं मट्टी लेता था उसको करके ऐसे बालों में डाल लेता था. दैट वाज माय मेकअप. और फिर वहाँ पे जो लोकेशंस पे गए, तो एक दफ़ा एक हम लोकेशन में गए थे, वहाँ पे एक जेल थी. वहाँ पे कुछ अंदर 40-50 कैदी थे. और काफ़ी बड़ी जेल थी वो. तो हमें शूट करना था उसके अंदर, एक सीन हमने करना था, लेकिन वो लाइट्स नहीं हमारी पहुँची थी, वो देर हो गई थी, तो इस वजह से हमारे पास 2-3 घंटे थे. और मैं अपने पूरे अटायर में था, जंजीरें और बाल वाल और ये वो. तो मैंने ऐसी वहाँ के जो पुलिस वाला था उसको मैंने कहा कि यार मुझे अंदर भेज दो, मैं अंदर बैठ के देखना चाहता हूँ. सो आई वेंट इनसाइड, आई सैट डाउन देयर फॉर 2-3 आवर्स, और मैंने वहाँ जो भी लोग थे उनसे बात करना शुरू की. वहाँ बहुत स्मेल आ रही थी क्योंकि एक ही वॉशरूम था ओपन, वो सब यूज़ कर रहे थे, एक बंदा नहा भी रहा था सामने. स्मेल मुझे याद है बहुत बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर. मैंने एक से बात भी की थी जिसने अपने आई थिंक भाई का कत्ल किया था. मैं उससे तो ऐसे ही बैठा हुआ था साथ, तो मैं उससे पूछ रहा था, बात कर रहा था. एंड देन आई फाउंड आउट इट्स वेरी, इट्स नॉट दैट, you know, it's not good or bad, it's just something that your circumstances make you do. uska bhi koi kasoor nahi hai, uske halaat aur cheezon ne usko aisa bana diya. to wo ek experience tha, lekin wo isliye nahi tha kyunki mujhe koi, maine koi method acting karni thi aur maine koi drama mein bahut koi sam kirdar mein ghusna tha, wo mere zaati experience ke liye tha. main shayad acting bhi isliye karta hu kyunki mujhe lagta hai ki mujhe kirdaron ke through बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो शायद मुझे अपने और किसी काम में ना मिल सके, वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिल सके. तो मुझे इनरिच करता है. तो दैट वाज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस. आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग होगा बहुत. हां, आई एम श्योर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आपको आई होगी. एंड आई थिंक इट डिड इंपैक्ट योर कैरेक्टर, योर परफॉर्मेंस. आई एम श्योर. हां, एंड आई आल्सो विटनेस दिस वन थिंग. हम गांव में शूट कर रहे थे, तो एक बंदा जो था उसके पैर के नीचे जो है ना किसी सांप ने काटा था. तो वो काटा था, तो वो सांप एक्चुअली काटने के बाद उस वो वहीं स्टिक हो गया था, मर गया था. और वो 2 दिन से उसको लेके घूम रहा था, और वो लटका हुआ था ड्राई आउट सा. तो हमने वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे पूछा, कह रहे हैं ये बहुत रफ एंड टफ लोग हैं, ये इसी तरह रहते हैं, इनको सांप काट लेता है, खून निकाल देते हैं, क्योंकि वो उसी मट्टी में और उसी चीज़ों में रहने वाले लोग हैं. तो वो एक्सपीरियंस करना देखना बड़ा मज़े का था. yeah, अच्छा, हाउ केपेबल ह्यूमन बॉडी इज़ टू सर्वाइव, यू नो. हम जरा सी तकलीफ पे ऐसे होते हैं, वो लोग इस तरह रह रहे हैं. yeah. So, थोड़ा इतने सीरियस से थोड़े कम सीरियस और लाइट टॉपिक की तरफ आते हैं. जो हो तो गया, शलवार उतारना बता दो. मैंने कहा थोड़े से कम सीरियस, बिल्कुल ये नहीं कहा कि लाइट हार्टेड.
बट हेल्दी उसकी तरफ आते हैं. यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. आई लव मैरिज. आपकी कहानी सुना है, क्या हुआ था? वो भी बड़ी मजे की कहानी है. हाँ. अच्छा बताओ, गए वो बेचारी सोफे पे बैठी, मैं उनको बोला हट जाओ, सोना है मुझे यहाँ पे, सोफा खाली करो. हाँ. राइट. या. क्या पता था कि उसके बाद वो बोलेंगी बेटा हर जगह से हट जाओ. नहीं, वो एक्चुअली शी वाज काइंड इनफ टू लीव दैट सोफा फॉर मी. और जब उन्होंने वो सोफा छोड़ा तो मुझे नींद ही नहीं आई. हुआ ये था, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं वैसे मजाक कर रही थी आपको तंग करने के लिए. मुझे आई एम श्योर सही होगा. बट वो आपने बात ऐसी की तो मैं उसी मोमेंट में हूँ, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिएक्ट टू इट. बट लाइक वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा ये था कि उडारी की रैंप वॉक थी, कोई शो था, ब्राइडल कुछ और भी चल रहा था, और उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल की. मैं शूट का अगेन रात भर का काम करके आया हुआ था, तो सुबह ही कॉल आई कि प्लीज़ ये बहुत लास्ट मोमेंट में हमने करना है, आप आ जाएँ और ये वो. तो गया वहाँ पर, हमने रिहर्सल्स की. तो रिहर्सल्स के बाद शो में एक घंटा था, मैंने कहा मैं घर जाऊँ, तो मैं MD ऑफिस वहीं चला गया. मैंने कहा वहीं जाके थोड़ी देर मैं नैप ले लूँगा, देन आई एम गोना कम बैक. तो वहाँ पे शूट चल रही थी मेकअप रूम में, और एक्टर्स भी थे. तो मेरा दोस्त था एक, उसके साथ मैं एंटर हुआ तो दरवाज़ा खुला तो काफ़ी एक्टर्स उसको देख के एक्साइटेड हो गए, और वो उसके फ्रेंड्स थे तो वो बहुत सारी एनर्जी के साथ उसकी तरफ आ रहे थे कि ये वो, उसका नाम लेते हुए. तो मैं वो लीव करके मैं वॉशरूम चला गया, फ्रेशन अप हुआ वापस. जब मैं आया तो वहाँ पे मरियम, माय वाइफ एट दैट टाइम शी वाज मरियम फातिमा, तो वो वहाँ बैठी हुई थी. मतलब मैं कमरे में एंटर हुआ तो एक मैंने देखा कि राइट साइड पे एक लड़की बैठी हुई है, और उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से पॉइज्ड उसकी पर्सनालिटी और वाइब और सब कुछ मुझे फील होता. देयर वाज समथिंग अबाउट हर दैट आई फेल्ट दैट मोमेंट, एंड आई विल टेक, आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ. And by the way, that happened to me very rarely. Okay. That I, you know, see a person and I feel that way. Very rarely. तो वो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, there's something. But I kept ignoring it because I was tired. I was like, नहीं यार, नैप लेना है ये वो. तो मैं कोई कोशिश कर रहा था. तो अब वो सोफे पे बैठी हुई थी, तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा यार सोफे से उठ जाओ, मुझे सोना है. ऐसे ही मैंने बोल दिया. और मैं ऐसे नहीं बोलता यूजली, आई एम वेरी तमीज़दार और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बट उससे मैंने ऐसे बोला. एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी लाइक ओके, वो उठ के वहाँ बैठ गई. बस वो उठी हैं और उन्होंने सोफा छोड़ा और वो नींद मेरी उड़ गई. और फिर उसके बाद यू नो तो सो ही नहीं, बातें करना शुरू हो गई. नो, आई केप्ट वंडरिंग यू नो कि आपकी कौन है, क्या है. फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी पहली दफ़ा. हर वॉइस इज़ वेरी 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 डिफरेंट. उनकी आवाज़ में बड़ी एक ग्रेस थी जो बहुत यंग लड़कियों में बहुत कम होती है. आई डोंट नो, बट एक होता है ना, एक नाक वाली आवाज़ होती है और एक आवाज़ होती है जो आपकी यू नो डायफ्राम से डायरेक्टली आ रही होती है. आई डोंट नो, बट इट्स समथिंग अबाउट हर. सो या ऑब्वियसली फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की, और बहुत आई डोंट नो वाई, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक आई वॉन्ट टू साउंड इंटेलिजेंट. तो मैंने अशफाक अहमद की बातें शुरू कर दी किताबों की, और मैंने इधर उधर की चीज़ों की बातें शुरू कर दी. खैर फिर वो पास हो गया वो टाइम, फिर मैंने जाते हुए उसको लुक भी दी, ओके बाय टेक केयर. आई डोंट यूजली डू दैट, बट आई डिड दैट विद हर. फिर दैट्स हाउ आई अप्रोच्ड. फिर मैंने उनको, मेरे दिमाग में वो पिक्चर हो गई थी कि यार यही है. अच्छा, वो पहली बार ही डिसाइड कर लिया कमरे से निकलते हैं. फॉल इन लव, लव एट फर्स्ट साइट हो गया. वाओ, माशाल्लाह. मुझे हो गया था लव एट फर्स्ट साइट. देन आई वेटेड फॉर 1 ईयर, देन आई टुक हर आउट ऑन अ डेट. ओ, 1 साल तक. 1 साल के बीच में वी बिकेम फ्रेंड्स लाइक सोशल मीडिया के थ्रू. आई फॉलोड हर, हां मिला था मैं यू नो ऐड. बट आई मैं उसको देख रहा था कि वो क्या कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू. एक साल बाद हिम्मत आई कि पूछें. हाँ, वेट भी कर रहा था बिकॉज मुझे थोड़ा सा फोकस काम पे भी करना था. तो मैंने कहा यार ये है, मिल गया कुछ है. ओके, अगर कोई और उड़ा के ले जाता उस टाइम पे, फिर उस दौरान उड़ा के लेके गया क्या? कोई नहीं ले जा सकता था मुझे. वो फील आ गया था कि यू नो शी इज़ मी एंड आई एम फॉर हर. ओह वाओ, ओके. तो फिर प्रपोज कैसे किया? यार वी, हमारी जो पहली डेट नहीं थी एक्चुअली, वी वर ट्राइंग टू हैंग आउट, इट टर्नड आउट टू बी अ डेट. सो बाय द टाइम आई वाज ड्रॉपिंग हर टू हर प्लेस, तो वो उसके मुंह से एक्चुअली निकल गया था लव यू, यू नो सेइंग बाय द, शी सेड लव यू, एंड आई वाज लाइक ओके आई लव यू टू. मतलब वो भी एक साल से चल रहा था, वो इतना इतना रोलिंग उसमें था, इतना फ्लो था, फ्लो ही सब कुछ हुआ कि वो कब आई लव यू आया, कब प्रपोजल आया, कब शादी आई. हाँ, पता भी और अभी भी 5.5 साल हो गए एंड वी स्टिल वंडर कि यार वी आर मैरिड.
माशाल्लाह. या माशाल्लाह. सो इट्स जस्ट लाइक दैट विद हर. इट्स वेरी लाइक इट्स सी वाटर फ्लोइंग. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. इतनी आई लुक एट बोथ ऑफ यू. माशाल्लाह माशाल्लाह. से मुझे इतना जेन्युइन आप दोनों का, स्पेशली आपका, तो उनकी तरफ जो यू अडोर हर, यू नो आई सी यू. उनको मैंने नहीं सुना, आपको मैंने सुना है बात करते हुए और सब कुछ. इट इज सो क्यूट. माशाल्लाह माशाल्लाह से. इतनी छोटी एज पे शादी कर लेनी चाहिए? इट डिपेंड्स. आई थिंक नहीं करनी चाहिए. आई टेल यू व्हाई. ओके. क्योंकि आपका दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा होता है 25 साल तक. आपने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती हैं. शादी जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट है. एक अलग तरीका है लाइफ गुजारने का. सो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. अब वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या मेंटल स्टेट है, आपकी क्या इक्वेशन है आपके पार्टनर के साथ. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिनको देखने का नज़रिया ऐसे वन वर्ड आंसर नहीं हो सकता, या कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ये कर लें तो ये हो जाएगा. पंद्रह दिन में सिचुएशन डिपेंड. बट जनरली यू वुड से कि मे बी थोड़ा वेट करें. आई वुड से या जस्ट वेट. एंड इट्स नॉट इवन नेसेसरी टू गेट मैरिड. आई वुड ऑल्सो से या. आई मीन पाकिस्तान यू लिव इन अ सोसाइटी वेयर यू नीड टू गेट मैरिड. यू नो यू कांट बी इन अ लिविंग रिलेशनशिप. यू कांट बी इन यू नो. So, बहुत सारी आपके पास रिस्ट्रिक्शन. चलिए हम तो उसकी बात करें ना, कंपेनियनशिप तो चाहिए ना. वो बात तो नहीं आप कह रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो. यू नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. यू रह सकते हैं, आप अकेले भी रहें. आप अकेले, अगर आपने शादी नहीं, अगर आप अपने आप से प्यार करें पहले, तो सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आप अपने आप से वो रिश्ता बनाएं जो आप दूसरों से बनाना चाहते हैं. जब आप अपने आप से वो रिश्ता बना लेंगे, वो प्यार जो आप क्लेम करते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जो भी है उसकी थ्योरी, बट आप वो तो पहले क्लियर आउट कर लेना अपने दिमाग में, वरना तो फिर आप. शादी कैसे चेंज करती है इंसान को? आपको कुछ चेंज अपने अंदर फील हुआ आफ्टर मैरिज? हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड देन काफ़ी चीज़ें. लाइक आई स्टिल से कि दो किस्म की स्ट्रगल्स होती है ना. आपने एक बज़ाहरी सेटल डाउन होना होता है और एक यहाँ से सेटल डाउन होना होता है. जो सबसे मुश्किल काम है वो यहाँ से होना होता है. आई फील जो सब ही चेज़ कर रहे होते हैं. तो मुझे लगता है कि मैंने माशाल्लाह से, आई डोंट नो, इट्स अ ब्लेसिंग कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से सेटल हो गया. तो बहुत से ऐसे मामले हैं जो मेरी एज में मैंने शादी में आने के बाद देखे, डील किए और ऐसी चीज़ों से गुजरा और देखी सारी चीज़ें जो मेरी एज के लोग शायद नहीं एक्सपीरियंस करते. तो उसने मुझे हेल्प आउट किया, ग्रो किया. एंड ऑल्सो सोसाइटी रिवॉर्ड्स यू इफ़ यू गेट मैरिड. दे गिव यू रिस्पेक्ट. Yeah, I do reward you because it's a system. If you're married, हमारे यहाँ जो वो है ना, एक प्रेशर है. एक सक्सेस की एग्जाम्पल ये है कि आप एक स्टेबल जॉब हो और if you get married and you have kids, it equals to happiness. And success. Yeah, which is wrong. You have to be happy first and then go after all these things, right? True. So yeah, that's how it rewards you. Okay. But I would say कि ये सारी बातें एक तरफ. What really matters is someone that you care about, you genuinely feel towards. And you have a good equation, which means friendship. Okay. Friendship is the only thing that's going to survive forever. मैं अगला यही पूछने वाली थी, शादी मोहब्बत या वो जो शादी दोस्ती पे बोला था ना शाहरुख खान ने, कुछ कुछ होता है, सही बोला था. तो अगर मोहब्बत नहीं होती, खाली दोस्ती होती, तब भी आप शादी कर लेते? दोस्ती है ही मोहब्बत. मोहब्बत जरूरी नहीं है कि उस इंटेंसिफाई इंटेंस इमोशंस का नाम है जो आपको रश फील होता है दिमाग के अंदर, आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा है या बाकी केमिकल जो आपको फील करा रहे हैं कि आई फील सो इंटेंस अबाउट दिस पर्सन. इट कैन बी नॉर्मल ऑल्सो. यू गाइस कैन सिट टुगेदर एंड बी कम्प्लीटली बोर्ड टुगेदर, बट टुगेदर या जस्ट डूइंग नॉर्मल रैंडम थिंग्स. या you know, easy, normal, random things. वो भी प्यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? Yeah. I think अगर दो लोग साइलेंस में बैठे रहे कुछ देर and still are not bored with each other, वो बड़ी चीज होती है. वो बड़ा वो भी हो सकता है. कुछ हाँ कि वो एक फेज गुजर गया, फिर जब मूड है तब बात भी कर लें. इट्स कम्फर्टेबल है ना. आपकी आप उस स्पेस में कम्फर्टेबल है. इट्स समवन लाइक अपने साथ रहना. लाइक आप किसी के साथ रहते हुए भी आपको ये पता है कि आपकी एक्सेप्टेंस है. क्योंकि देखिए दुनिया बहुत अब वैसी हो गई ना, आपका अपना क्या पर्पस है. सब अपने पर्पस ड्रिवन है. अब मेरे पास आपके लिए स्पेस नहीं है, आपके पास मेरे लिए स्पेस नहीं है. इन हालात में, इन सिचुएशन में आपको एक ऐसा कंपेनियन मिलता है जो आपकी वीकनेसेस को देख सकता है, जो आप एक्चुअल हो वो देख सकता है और अप्रिशिएट कर सकता है, जो आपकी स्टूपिडिटी को सेलिब्रेट कर सकता है.
शादी में स्पार्क कैसे मेंटेन किया जाता है, कर क्या कोई ट्रिक्स कुछ ज़हन में आता है? Because you seem to be, it's been like 5 years, 4 years, five and a half. थोड़ा वो मुझे लगता है मैच्योरिटी आना शुरू जाती है, मेलो हो जाते हैं, बट आप तो बात करते हुए यू आर सो एक्साइटेड अबाउट हर, माशाल्लाह माशाल्लाह. सो आई डोंट नो लाइक ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू मेंटेन द स्पार्क. कहते हैं लोग कि हनीमून फेज होता है, एक फेज होता है, एक वो फेज होता है. आप लोगों का चल रहा है अभी तक या खत्म हुआ फिर दोबारा? व्हाट डू यू थिंक? Shiny shoes. I don't know. That's why I'm asking you for tips. You can see it very much when I'm talking about her. Yes, then I know. Not there, just this interview. मैं तो मतलब आपके यहाँ आने से पहले ही मैंने कहा कि I can see that you adore her. एंड ये चीज़ मुझे बहुत कम कपल्स में नज़र आती है. और ये अभी भी जब आप बात कर रहे थे तो द एडमिरेशन यू हैड फॉर हर, वो इट वाज वेरी जेन्युइन. तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या है वो फार्मूला, क्या है कुछ हमसे भी शेयर कर लें, कोई टिप्स हैं कुछ या नहीं? नथिंग, इट्स जस्ट, एंड इट्स नॉट लाइक, अगर ऐसा है तो यही सही तरीका है. आई मीन आई मेट कपल्स जो एक साथ बहन भाई लगते हैं, बट उनकी वो इक्वेशन साथ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जाती है, एंड इट वर्क्स फॉर देम. Yeah. So it doesn't mean that's wrong. Yeah. You have to find out what works for you. Yeah, true. You know, what true. works for me is working for me, might not work for you. True. You know, so if I tell you ki ye advice hai aur aise spark maintain karte hain, aapka jab connection hi nahi aa raha to spark kaise maintain karenge? Very good. So it's different. I don't know what spark is, but I do know that aapko evolve hona hai waqt ke saath saath. Aapne apne aap mein bhi rehna hai aur aapne us partner ke saath bhi rehna hai aur वो होता रहता है, कम्युनिकेशन होती रहती है, चीज़ें होती रहती हैं. यू कीप फॉलिंग इन लव एंड यू कीप चेंजिंग फॉर्म्स एंड यू कीप फाइंडिंग ईच अदर, यू नो, अडोरेबल इन डिफरेंट सिचुएशन एंड कीप, यू नो, वो होता रहता है विद द मोमेंट्स. एंड यू सी द स्ट्रगल्स ऑल्सो ना, यू सी द हार्ड टाइम्स ऑल्सो, यू ऑल्सो सी के हाउ मच दैट पार्टनर इज कॉम्प्रोमाइज फॉर यू. मे बी आई एम लाइक, आई एम समवन हु स्पीक्स अ लॉट अबाउट इट. शी इज द काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स मी मोर देन आई लव हर, आई फील. मतलब इन द वे के लिए शी डजंट टॉक अबाउट इट मच, लाइक शी डजंट पुट दैट ऑन डिस्प्ले. लाइक मैं तो वो ना जो शो मार रहा होता है, बट शी एक्चुअली जेन्युइनली लाइक डज अ लॉट फॉर मी, एंड शी इंस्पायर्स मी एवरी डे व्हेन आई सी हर. द वे शी लिव्स हर लाइफ, द वे शी कंडक्ट हर सेल्फ, जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ. एंड आई थिंक उसने मुझे काफ़ी चीज़ों में चेंज किया और काफ़ी चीज़ों में मुझे बेहतर इंसान बनाया. I'm really happy to hear, glad to hear this, because I think अच्छा लगता है जब सुने पॉजिटिविटी शादी के बारे में. जल्दी से हम हसन के कैरेक्टर, मेरे हम नशीन पे दो क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट, हमने हसन के बारे में बात की. क्या है हसन, माँ बाप जो उसकी इतनी एग्रेशन है, जो इतना गुस्सा है, वो माँ बाप से शिकवाए, और इज़ इट अ कवर फॉर हिज ओन इनएबिलिटीज़, अपनी जो उसकी महरूमी है या अपनी एबिलिटी नहीं है कि वो उतना अच्छा कर सके जितना उसका भाई करता है, या माँ बाप जितने सक्सेसफुल है, वो उसको कवर कर रहा है इस गुस्से से, या वाकई ये माँ बाप से शिकवा है उसको? शिकवा है, माँ से है ज़्यादा. इग्नोर्ड चाइल्ड, बचपन में माँ ने उसको छोड़ दिया था, जहाँ उसने एक मेंशन भी किया था लड़ाई में दादी के पास. तो उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उसके एक्शंस के थ्रू नज़र आती हैं. बट आप देखें तो वो सिर्फ अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है बाय द एंड ऑफ द डे अपने माँ बाप की. ट्रू. वो उसको तरीका नहीं पता, सही तरीका नहीं पता जो हादी को पता है, मे बी क्योंकि हादी बीन ब्रॉट अप इन अ वे वेयर ही नोज व्हाट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज देयर वाज समवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड टू टेल हिम कि ये सही और ये गलत है. बट इसको नहीं पता था, दादी ने नहीं बताया होगा. दादी बेचारी ज़हीफ थी, इतनी एनर्जी नहीं स्पेंड कर सकती थी एक बच्चे के ऊपर, यू नो. सो कुछ हुआ होगा ऐसा, कोई बैकग्राउंड स्टोरी होगी जिससे मैंने उसको जस्टिफाई किया. That he is like my shiny shoes who want attention, okay. with a black and white shirt and pant. But yeah, that's what it is, you know. So वो जितना भी कुछ कर रहा है वो attention लेने की कोशिश कर रहा है. And you will see how gradually story जब unfold होगी तो you will see कि हाँ वो एक, you know, growth देखेंगे, arc देखेंगे हम उसके character में, बिल्कुल change देखेंगे. Suicide on screen दिखाना, आप okay हैं? हम किसी और तरीके से इसी message को नहीं कर सकते थे communicate, जरूरी था उसको दिखाना ये attempt करते हुए? और वो कैसे यंगस्टर्स को जो देख रहे हैं उनको इम्पैक्ट करता है? आई डोंट नो, आई फील लाइक ड्रामा
इज नॉट दी ओनली थिंग दैट पीपल आर वॉचिंग दीज डेज. ओके, प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं और बहुत खुले हैं, बहुत वसी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल. सुसाइड इज़ नॉट द मेन इशू टू टॉक अबाउट, देयर आर मच मोर थिंग्स दैट वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट, यू नो, जिसके बारे में वरी होना चाहिए. तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसमें दिखाया है हमने कि वो सुसाइड करता है, तो हमने एक जगह ये भी दिखाया है कि नेक्स्ट टाइम ही से सॉरी टू हिम, वो रियलाइज करता है कि वो क्यों कर रहा है. मे बी ही वाज जस्ट पुटिंग आउट अ शो एंड टू ट्राई टू टेक. इफ़ यू फॉलो द स्टोरी यू विल रियलाइज कि वो क्या उसके साथ हो रहा है, देन यू विल आल्सो रियलाइज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अगर उसमें से मैं एक सीन काट के निकाल दूँ कि एक सुसाइड कर रहा है, तो आई थिंक दैट्स नॉट फाइन, यू नो. तो वो सही दिखाया है हमने, कोई इतना मुझे नहीं लगता कोई मसला है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताना तो पड़ता ही है ना. अब कोई बुरा कैरेक्टर है तो उसकी बुराई दिखाएंगे तो वो जस्टिफाई होगा ना कि वो ये करता है, उसके इश्यूज दिखाना जरूरी. हाँ, दुनिया भर में वर्ल्ड सिनेमा में दिखाते हैं. क्विंटन टारेंटिनो शोज ऑफ ब्लड एवरीवेयर, ही किल्स पीपल एंड ही इज लाइक, बिकॉज दैट्स व्हाट रियलिटी इज. सो यू नो इट्स फाइन. आई थिंक ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो देखेंगे कि हसन का किरदार ने ना ये घर निकाल लिया, मेरे साथ भी ऐसी लड़ाई हुई घर में और मैं भी जाके कर लूँ. नहीं, देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हारिस. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई विश वी हैड मोर टाइम, हम और कंटिन्यू करते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है हमारे पास. बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड हियरिंग अबाउट योर स्ट्रगल्स एंड जो जर्नी था आपका, मुझे तो बड़ा इंस्पायरिंग, बड़ा मज़े का लगा. आई होप जो नए एक्टर्स सुन रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद आई हो और उनको भी पता चले कि यार लगे रहो, कोशिश करते रहो. बिकॉज जिस तरह सिंगल माइंडेडली आपने कोशिश की है और क्राफ्ट को प्रेफर किया है ओवर एवरीथिंग एल्स, आई थिंक दैट्स समथिंग कमेंटेबल. थैंक यू फॉर हैविंग मी, यू आर सच अ ग्रेट इंटरव्यू, आई मीन इट वाज अमेजिंग. तो फिर मैंने आपको हंसाया या नहीं हंसाया, कामयाब हो गई या नहीं हो गई, देख लें आप मेरे चेहरे पे स्माइल. चलिए, उस वक्त आपने बोला उनका अल्लाह इज्जत रख लेना, कुछ हो जाए कि मैं नहीं. वो मेरा मॉर्निंग फेस था, मैं जब सो के उठता हूँ ना तो मुझे ये होता है कि यार 2-3 घंटे चाहिए स्टार्ट होने में. जस्ट दैट. नहीं, आई थिंक सही था, सीरियस भी थे, हंसे भी, और तो इट वाज गुड. बट थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच.